खबर पलवल से है। पलवल के जिला अस्पताल में डॉक्टर्स और दवा की कमी के कारण यहां इलाज करवाने आ रहे मरीजों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। मरीजों के मुताबिक डॉक्टर्स की ओर से लिखी गई दवाइयां अस्पताल की डिस्पेंसरी में उपलब्ध नहीं होती, जिसके कारण उन्हें बिना दवा के ही वापिस लौटना पड़ता है। मरीजों का कहना है कि कई बार ऐसा हो चुका है कि अस्पताल की डिस्पेंसरी में ये कहकर उन्हें वापिस भेज दिया जाता है कि दवा उपलब्ध नहीं है, बाहर से ले लो। अस्पताल में दवाइयों की कमी को लेकर जब अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर लोकवीर सिंह से बात की गई तो उन्होंने कहा कि उन्हें पीछे से ही दवाइयां नहीं मिल रही, लेकिन जल्द ही दवाइयों की कमी को पूरा करने की कोशिश की जाएगी। सिविल सर्जन ने कहा कि अगले एक हफ्ते के अंदर अंदर यहां दवाइयों की कमी को पूरा कर लिया जाएगा। पैराली को लेकर आया था दिखाने के लिए 5 तारीख को सर, तो पैर में दर्द सर 6 को पैर में दर्द बहुत ज़्यादा, दवाई लिखाई डॉक्टर लिखाया नहीं, नंबर आया काफ़ी 2 घंटे नंबर आया जाके दवाई फिर हमने लिखाई डॉक्टर साहब से, गए काउंटर पे मना कर दिया उन्होंने कि दवाई है नहीं हमारे पास, ये बाहर लेनी पड़ेगी। अच्छा, हाँ जी, ये मेरा कार्ड है जी पेशेंट का, फिर मैं बाहर गया जी, बाहर से दवाई लेके आया हूँ 280 रुपये की, यहाँ दवाई देने से मना दवाई कर नहीं मिली, ये कह दिया कि दवाई है नहीं। हाँ, दवाई है नहीं, दवाई लिखी है, ये दवाई है, तीन में से एक दवाई दी है, ये कह दिया है ही नहीं। किसको लग दिखाने के लिए लेके आए, क्या हुआ? तो दवाई लिखी होगी यहाँ से, कितनी दवाई मिली आपको? 4 गोली। केवल 4 गोली मिली है? और कितनी तरह की दवाई लिखी थी यहाँ से? 4-5 तरह की। केवल 4 गोली मिली है, बाकी के लिए क्या कह दिया? स्टोर से कहाँ से? बाहर से खरीद कर, यहाँ दस्त की भी दवाई नहीं है। मरीजों का कहना जहाँ तक है, मैं इस बारे में तो ये नहीं कह सकता है महंगी और सस्ती का, दवाइयाँ अगर एंटीबायोटिक्स हैं, मुझे अच्छी तरह याद है कि अगर दवाइयाँ होती हैं तो होती हैं, चाहे वो महंगी हो या सस्ती हो। लेकिन हाँ, ये अब जो फिलहाल अभी फ़िलहाल वो जो आपूर्ति नहीं हो पा रही, मैं उसके बारे में हमने ऊपर भी लिख दिया है, पर ऊपर से जैसे कोई आदेश प्राप्त होते हैं उन्होंने यही कहा है कि आप अपने लेवल पर छोटे छोटी छोटी परचेज कर लें, जो दवाइयाँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं उनको खरीद लें, उनकी NAC निकाल लें पहले DPMU से, और उसके बाद अपने खरीदारी करके अपने कर लीजिए, इसमें कोई मनाही नहीं है। और मैंने तो पहले भी कहा था इनको कि भाई दवाइयाँ खरीदना और दवाइयाँ अवेलेबल कराना दोनों आपकी जिम्मेदारी।